वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल बीएससी। फ्रेंड्स, राजस्थान पीटीटी 2019 करेक्शन पैनल जारी हो चुका है और आप फ्रेंड्स फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो मैंने यहां पे आपका एडमिट कार्ड आया था, तो आपकी कमेंट ये थी फ्रेंड्स कि हमारे डेट ऑफ में प्रॉब्लम है या फिर हमारे नेम में प्रॉब्लम है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स आपके बने थे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का मैंने एक ही जवाब दिया था आपको कि आप जो है वो पीटीटी की ऑफिशियल जीमेल पे जाइए, यानी वहाँ पे उनको ईमेल कीजिए। तो दोस्तों, वहाँ पे आपने ईमेल किया होगा, लेकिन फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग जो हो आपका एक करेक्शन पैनल जारी हो चुका है। आप ऑफिशियल लिंक पे जाइए तो वहाँ पे आपको एक करेक्शन पैनल का नाम यहाँ पे शो होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पूरा देखेंगे कि आपको किस तरह से करेक्शन करना है और किन किन रूलों को आपको पालना करनी है, ये पूरा इस वीडियो के अंदर जो है फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम पीटीटी की ऑफिशियल साइट पे चलते हैं। और फ्रेंड्स, आप यदि इस तरह की एडिटिंग नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स आपका नेम या फिर डेट ऑफ या फिर अनदर जो भी आपने फॉर्म अप्लाई करते समय करेक्शन किया है, तो उसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स आपको बीएड में यहाँ पे बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है वो एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन था कि आप 20 मई 2019 यानी इसकी लास्ट डेट है, आप यहाँ तक करेक्शन जो है वो करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं राजस्थान पीटीटी 2019 की ऑफिशियल साइट पे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ऑफिशियल लिंक पे आ चुका हूँ और आपको यहाँ पे एक न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो रहा है करेक्शन पैनल को लेकर। और फ्रेंड्स, आप जो है टू इयर्स वाले यहाँ पे करेक्शन पैनल पे क्लिक करेंगे और फोर इयर्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ करेक्शन पर पैनल पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके सामने जब करेक्शन पैनल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ये जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि पीटीटी 2019 के लिए एप्लीकेशन संशोधन के लिए नीचे दिए गए पर लिंक पर क्लिक करें। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फॉर्म नंबर अप्लाई करने हैं और अपने फादर का नेम और मदर का नेम और डेट ऑफ फिल करके आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो फ्रेंड्स आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, हम जो है आपको एक सैम्पल के तौर पर करके दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां पे लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहां पे फ्रेंड्स आपका करेक्शन पैनल के लिए यहां पे आपको शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि दोस्तों यहां पे करेक्शन पैनल के लिए यहां पे आपको जो है वो एक ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे। तो फ्रेंड्स, एक ओटीपी मुझे आ चुका है 742404। तो इस ओटीपी हमें जो है वो यहाँ पर डालना होगा। आप इस ओटीपी को यहाँ पे आप प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आगे पेज जो है वो खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ चुका है अपडेट डाटा इन फॉर्म, तो यहाँ पे आप कीजिए क्लिक। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे फ्रेंड्स आपके जो है कोई भी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आप यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ लिख रखी है, यहाँ पे नोट आपको लिख रखा है कि अपेक्षित संशोधन से संबंधित दस्तावेज ही अपलोड करें, असंबंधित दस्तावेज अपलोड करने पर संशोधन नहीं होगा। यानी फ्रेंड्स, आप यदि गलत यदि आप यहां पे संशोधन करना चाहते हैं तो आपका कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। अगर आपका संशोधन सही पाया जाता है तो आपका जो करेक्शन सही किया जाएगा। ये फ्रेंड्स एक लिख रखा है। और फ्रेंड्स, यहां पे सेव करना ज़रूरी है, आप जब तक सेव नहीं करोगे तो आपका करेक्शन जो है वो सही नहीं होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स लिख रखा है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ओल्ड और न्यू यहाँ पे और अप्लाई डेट ये सब जो है फ्रेंड्स मेंशन किया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे जहाँ पे आपको चेंज करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो आ चुका है पहला देख सकते हैं कि बिलोंग टू ट्रिबल एरिया, यानी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो, और कैटेगरी यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी आ जाएगी ओबीसी एससी जो भी है, और आपको करेक्शन यदि एड्रेस में करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक कीजिए। और डेट ऑफ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेट ऑफ जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे फ्रेंड्स मैंने डेट ऑफ पे क्लिक किया तो डेट ऑफ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपकी ओल्ड जो यहाँ पे जो डेट ऑफ है वो शो हो जाएगी। और क्लिक करने के बाद
आपके सामने कैसा हो यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपका न्यू जो है वो करेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप न्यू जो है वो फ्रेंड्स इसमें आपको 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे आपको डालनी होगी, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ जो है वो न्यू फिलअप करनी होगी। मेरा जो फ्रेंड्स एकदम सही है, तो आप यदि करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, और ये करने के बाद फ्रेंड्स आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जो फॉर्म भरते टाइम आपने कोई गलती की है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो है वो डिफेंस यहाँ पे, पर्सनल वार्ड यहाँ पे, और डिवोर्सड यहाँ पे है, और फैसिलिटी फॉर ग्रेजुएशन का यहाँ पे ऑप्शन है, और फादर नेम यहाँ पे है, जेंडर आप चेंज कर सकते हैं, ग्रेजुएशन मार्क्स यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं यदि आपने रोंग यहाँ पे अप्लाई किए हैं, ग्रेजुएशन क्लास, ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन ईयर, और फ्रेंड्स आप हस्बैंड वाइफ ये भी आप नेम भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आप चेंज कर सकते हैं, मिनोरिटी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, मदर्स नेम, परमानेंट एड्रेस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने यदि फोटो जो है गलत अप्लाई की है तो फोटो करेक्शन आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही रूल लागू होगा आपके सामने बहुत सारे देख सकते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मार्क्स से, पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन ईयर, फ्रेंड्स आप जो है वो सारा यहाँ पे देख सकते हैं, इतने आप जो है वो चेंज कर सकते हैं ये जो आपके सामने ऑप्शन हो गया जो ओपन होगा। जैसे आपने फ्रेंड्स कैटेगरी पर क्लिक करोगे तो कैटेगरी पर जैसे क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स आपके सामने जो आपने ओल्ड कैटेगरी यहाँ पे भरी थी वो यहाँ पे शो जाएगी, और आपको न्यू कैटेगरी भरने के लिए बोला जाएगा, और आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो फ्रेंड्स प्रूफ की तरफ देना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नोट के अंदर लिख रखा है कि यहाँ पे यानी जो संशोधन आपका होगा वही किया जाएगा, आप अगर असंबंधित दस्तावेज अपलोड करते हैं तो ये संशोधन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अपना अपना जिस कैंडिडेट्स की ऐसी प्रॉब्लम थी, तो फ्रेंड्स जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पीटीटी एडमिट कार्ड को लेकर, तो उस पर फ्रेंड्स कमेंट जो है वो काफ़ी आए थे, क्या मुझे एडमिट कार्ड, क्या मुझे परीक्षा में बैठना दिया जाएगा, या मैं बीएड कर पाऊंगा, तो ये सारे कमेंट आपके थे। तो फ्रेंड्स इसका ऑफिशियली जो है वो आपका प्रूफ जो है वो आपको मैंने बता दिया है, ऑफिशियली सारे क्वेश्चन का आपका जवाब जो है वो मिल चुका है। तो फ्रेंड्स आप यहां से चेंज कर लेना, और यहां पे सेव पे क्लिक जरूर कर देना, सेव पे क्लिक नहीं करोगे तो आपका संशोधन जो है वो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपको यदि संशोधन करना होगा तो आपको एक प्रूफली जो है वो सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होता है, तभी आप संशोधन करना कर पाओगे। तो फ्रेंड्स तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, कि कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और फ्रेंड्स जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।